हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम बैटरी की सहायता से किस प्रकार से माचिस की तीली को जला सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं मिस्टर कूल एक्सपेरिमेंट। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो हेलो दोस्तों, इसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए एक इस तरीके की वायर। दोस्तों ये वायर आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा जो बर्तन मारने वाली जो नेट होती है उसमें ये वायर लगी होती है। ये पूरी इस वायर की बनी होती है। तो आप उसमें से वायर निकालेंगे, एक माचिस की तीली चाहिए, दो नॉर्मल वायर चाहिए, एक मोबाइल बैटरी, एक टेप और एक कैंची। दोस्तों अब हमको क्या करना है कि इस वायर को हमको माचिस की तीली के ऊपर इस प्रकार से लगा देना है। और दोस्तों इस वायर के दोनों सिरों पर जब मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा तो ये वायर थोड़ा जलता है, तो उससे क्या होता है कि माचिस की तीली में तुरंत आग पकड़ लेता है। दोस्तों करना क्या है कि ये जो वायर है इसके दोनों तरफ आपको इस तरीके से तार को लगा देना है। दोस्तों थोड़ा सी वायर कट करनी है और इसके दोनों तरफ तार को लगा देना है और फिर बीच में माचिस की तीली हम फंसाते हैं। तो दोस्तों लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जो नॉर्मल वायर होती है वो भी काम करेगी, तो दोस्तों मैं आपको नॉर्मल वायर से करके दिखा दे रहा हूँ। नॉर्मल वायर नहीं काम करती है। दोस्तों नॉर्मल वायर के लिए हमें बड़ी बैटरी की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं आपको ऐसा टेक्निक बताऊँगा जिसे आप छोटी बैटरी से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए नॉर्मल वायर के दोनों तरफ मैं तार सटा रहा हूँ, तो देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं हो रहा है, ये हीट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी हीट नहीं हो रहा है और ना ही मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि हीट हो रहा है। लेकिन दोस्तों अब मैं इस वायर को सटाता हूँ, देखिए क्या होता है। ये देखिए दोस्तों ये कितनी तेज हीट हुआ है और इसने मेरा हाथ भी जला दिया है, ये देखिए। तो दोस्तों ये हीट होता है तो इसी से हमारी माचिस की तीली जलती है। दोस्तों अब क्या करना है हमको, देखिए इसके दोनों तरफ हमको तार इस प्रकार से लगा देना है। तो दोस्तों तार लगाने के बाद हम क्या करेंगे, माचिस की तीली लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लेड से जगह बना लेंगे, क्योंकि जो हमारी तार फंसेगी वो इसी के ऊपर फंसेगी। दोस्तों क्या करना है कि अब इसमें हम तार फंसा देंगे और तार को नीचे करके हम इसमें टेप लगा देते हैं ताकि हमारी तार उसमें तीली में फंसी रहे। दोस्तों टेप मैंने लगा दिया है, देखिए इस तरीके से इसको लगाना है, आप देख सकते हैं ये मैंने लगा दिया। अब मैं आपको इसे बैटरी से कनेक्ट करके दिखाता हूँ क्या होता है। ये देखिए दोस्तों अब मैंने इसे जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया ये देखिए ये जल गया। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये वायर तो काफ़ी छोटी है, अगर मैं इसमें लंबी वायर लगाऊं तो शायद ये ना काम करे क्योंकि बैटरी की पावर बहुत कम होती है छोटी बैटरी की। तो देखिए मैं दोस्तों अब इसमें थोड़ी लंबी वायर लगा के देखता हूँ क्या होता है, ये काम करता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों अब मैं इसे कनेक्ट करके देखता हूँ क्या होता है। तो ये एक वायर मैंने कनेक्ट कर दिया, अब मैं इसके दूसरी वायर जैसे ही कनेक्ट करूँगा तो देखिए दोस्तों ये जलता है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों ये लंबी वायर में भी काम कर रहा है। दोस्तों ये लगभग आपका डेढ़ मीटर लंबा वायर है, आप चाहे तो इससे लंबी वायर में भी इसे करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बस एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा था। दोस्तों अब आपको इसका उपयोग क्या करना है, दोस्तों आप इसका उपयोग बम बजाने में कर सकते हैं। अगर आप बैटरी द्वारा बम बजाना चाहते हैं, आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप वहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कोई प्रैंक करना हो आप वहाँ कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बम बजाया दिखाता है लेकिन लॉकडाउन चल रहा है जिस वजह से मैं आपको ये करके नहीं दिखा सकता। तो दोस्तों आप इस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो ना पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ऐसा कोई इसमें कमी लगा तो। दोस्तों चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, जय हिंद जय भारत।